नमस्कार, वी वेलकम टुडे विद अस सिद्धार्थ श्रीवास्तव. ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 118 इन यूपीएससी सीएससी 2024. सिद्धार्थ, वेलकम टू कलाम आईएएस. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. सो सिद्धार्थ, हाउ वाज योर रिएक्शन, योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू गॉट द यू नो न्यूज दैट यू हैव गॉट द ऑल इंडिया रैंक 118? सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर दैट? सर, मतलब देख के तो पहले मैं चिल्लाने लगा, रोने लगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड ये था कि पॉसिबल है होना, बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, एग्जीक्यूशन, ये सब तो था कि हो जाना चाहिए. बट क्योंकि इतना डाइसी रहता है ना बिकॉज ऑफ दैट लक फैक्टर, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि, तो वही था कि बहुत ज़्यादा वो था. फिर घर पे बताया तो मम्मी कहती हैं कि आईएएस नहीं हुआ तुम्हारा, मतलब उस तरीके से. बट पापा वापा बहुत खुश हो गए थे, तो अच्छा लगा, एक बहुत ही रिलीफ मिला तुरंत, इंस्टेंट रिलीफ, मतलब कि पता नहीं जैसे कोई ट्यूमर ऐसा निकाल दिया गया हो. आप इस साइकिल से बाहर निकल गए इसके लिए. राइट, राइट. गुड एंड गुड एग्जिट. गुड एग्जिट, यस. सच. तो आप डू यू ओ योर ग्रेटिट्यूड टू समवन, लाइक समवन दैट कुड बी पर्सन और यू नो एनीवन एल्स? बिल्कुल. मतलब कुछ लोग हैं जो अभी भी हैं जीवन में, और कुछ लोग हैं जो नहीं हैं जीवन में. जैसे कि पहले तो मम्मी पापा, भगवान, मेरी बहन है, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे मामा और नाना. उन्होंने मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स में मेरे मैथमेटिक्स और मेरे इंग्लिश को बहुत ज़्यादा ग्रूम किया था, सो दैट वाज क्वाइट इम्पॉर्टेंट. इसके अलावा मेरी बुआ थी, वो DM कॉलोनी में रहती थी, आपका बनारस में. अच्छा. तो वो हमेशा एक बोलती थी कि IAS बनना है एंड ये सारी चीज़ें जो हैं. मेरे मौसा थे, वो खुद अभी IAS हैं, वित्त सचिव हैं वहाँ पे. अच्छा. लखनऊ में. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हैं, और इन लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस चीज़ में. मेरे दोस्त भी हैं, उनसे बात करता था, जो भी रोना गाना बचाना है उनके सामने, तो वो सारी चीज़ें. हाँ, हर चीज़ आप फैमिली से शेयर कर. हाँ, तो सर वही है कि मतलब अलग अलग लाइफ के डोमेन के लिए अलग अलग इंसान जो है बहुत ज़रूरी होता है. और मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी ना करें, कुछ जेन्युइन लोग तो होने चाहिए आपके लाइफ में, एंड उन्हीं को है ग्रैटिट्यूड में. हाँ, काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं कि मतलब आप पूरा सोशल मीडिया, किसी से मिले नहीं, कहीं पार्टी में ना जाए, किस कुछ ना करें, बस पढ़ाई कीजिए. तो आप कह रहे हैं कि इन लोगों का भी एक रोल होता है सर, मतलब सोशल मीडिया से हट जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया पर यू डोंट हैव जेन्युइन फ्रेंड्स. एंड शादी ब्याह का इट पुट्स अननेसेसरी प्रेशर ऑन यू, बिकॉज जैसे मान लीजिए हम शादी में जा रहे हैं, एंड इफ समवन नोज कि हम तैयारी कर रहे हैं, तो दिल से कि क्या हुआ, दैट इज अ सिंगल क्वेश्चन. दोज आर जस्ट 3 to 4 वर्ड्स, बट द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट इट पुट्स ऑन यू ना, दैट्स वेरी डिफिकल्ट. तो ठीक है, उसका यू मे अवॉइड डिपेंडिंग अपॉन योर मेंटल कैपेसिटी. बट मेरा यही कहना है कि इन अदर केसेस आपके जो दोस्त हैं, फैमिली हैं, उनसे तो आपको बातचीत करना चाहिए, जेन्युइन पीपल, एंड यू विल अंडरस्टैंड जेन्युइन कौन है. तो आपका थोड़ा एक्सपोजर हमेशा से सर्विसेज की तरफ रहा है बिकॉज ऑफ योर रिलेटिव्स हु वर इन द सर्विसेज, राइट? सो आई वुड लाइक टू नो, लाइक हाउ वाज योर जर्नी, व्हेन डिड यू स्टार्ट, एंड व्हेन डिड यू थिंक दैट ओके दिस इज व्हाट आई हैव टू परस्यू, एंड समथिंग अबाउट योर जर्नी इन ब्रीफली थ्रू आउट योर अटेम्प्ट्स. इट वाज योर 6th अटेम्प्ट, राइट? 6th अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट. लास्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया. तो देखिए, ऐसा था कि शुरू में जो जहन में कुछ चीजें उतर जाती हैं, तो वो ऐसा था मेरा कि हम मेरी बहन और मेरे पापा, हम तीनों लोग गए थे नॉर्थ ब्लॉक, ठीक है? वहाँ की एक फ़ोटो है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको. सो द थ्री ऑफ अस आर स्टैंडिंग एंड माय फादर सेज कि यार आई वांट यू टू बी हियर समडे, कि नॉर्थ ब्लॉक में बैठना है आपको. कुछ समझ नहीं आया उतना उस टाइम पे तो. बट फिर मेरे मौसा आए मेरे लाइफ में, तो उनको देखा कि अच्छा, उनका अखबार वगैरह में बहुत आता था कि वो रूरल विजिट्स कर रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें, वहाँ से इंस्पिरेशन आया. फिर हमारे यहाँ एक प्रांजल यादव जी थे, DM थे हमारे यहाँ, तो वो कई बार गश्त पे चले जाते थे बाइक वगैरह पे. अच्छा. तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे एक मतलब उतरता जा रहा था. मैंने क्लास 9th में ये इस कदर हुआ कि मैंने एक ID भी बना ली क्लास 9th में, sid.iit.is. सो दैट्स द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन की, मतलब थिंग्स पैंड आउट दैट वे. एंड मतलब जर्नी का ऐसा रहा कि 2017 में जब मैं पास आउट हुआ IIT BHU से, तो मेरे पास जॉब थी मारुति की, बट आई डिडंट ज्वाइन बेसिकली.
और तैयारी शुरू कर दिया। फर्स्ट प्रीलिम्स फेल, सेकंड थर्ड में किया बट नो इंटरव्यू कॉल, फोर्थ प्रीलिम्स फेल, फिफ्थ एंड सिक्स में इंटरव्यू दिया। फिफ्थ अटेम्प्ट वाले में थोड़ा सा मतलब रुक गया था कुछ मार्जिन से, 20-30 मार्क्स से, और अभी वाला जो है मतलब द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो इन योर सिक्स अटेम्प्ट्स देयर वर टू अटेम्प्ट्स वेयर यू कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स, देयर वर टू वेयर यू कुड नॉट क्लियर मेंस, राइट, एंड वन वेयर यू कुड नॉट क्लियर इंटरव्यू। फाइनली इन सिक्स अटेम्प्ट यू गॉट द सक्सेस। So, you know, what were your learnings from different failures? Like, when you was not able to clear, you know, prelims, and when you were not able to clear interview in your fifth attempt. So, what were your learnings? And, you know, we say that people learn more from their failures than their success. Right. तो अब क्या है कि मेरे केस में ये था कि मुझे ऐसा कोई, मैं बहुत misguided था शुरू से, तो इसीलिए इतना टाइम लग गया। तो धीरे धीरे मैंने खुद से ही सीखी चीजें, और वो एक कहीं ना कहीं एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बन गई। जैसे मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या था कि 0.67 मार्क्स से प्रीलिम्स रह गया, तो उतना मुझे ये नहीं लगता था कि मेरे प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो थोड़ा प्रीलिम्स पे किया बट मेंस पे ज़्यादा काम किया, बट देन मेंस पे में भी आई फेल्ड। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेंस में आई डिड नॉट डू आंसर राइटिंग, ठीक है, आंसर राइटिंग नहीं किया, एंड आई वॉज राइटिंग वॉट आई न्यू बट आई डिडंट राइट वॉट वॉज आस्क्ड, ये वाला हो गया। फिर उस टाइम ना कोविड का थोड़ा सा पीरियड चल रहा था 2021 वाला, इधर उधर हो गई थी थोड़ी सी साइकिल, तो उसमें भी समवॉट वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, सॉरी 2020 में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, थोड़ा वो अटेम्प्ट भी एक काफ़ी बड़ा सेटबैक था, फिर मुझे समझ नहीं आया। तो मुझे ये एक पक्की चीज़ हो गई कि अब मुझे आंसर राइटिंग तो करनी ही है नो मैटर वॉट, तो मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया आंसर राइटिंग पर। तो एक सर थे टेलीग्राम पे, उनके हेल्प से मैं, फ्री इनिशिएटिव था, रोज एक एक आंसर लिख के भेजता था, कई बार वो बेस्ट आंसर रहता था, कई बार वो बहुत ही मतलब ब्रूटली ऑनेस्ट हैं तो वो कुछ कुछ लिख के दे देते थे। तो आई अंडरस्टूड कि अच्छा लिखा कैसे जाता है। सो नाउ द व्हेन आई गॉट द नैक ऑफ आंसर राइटिंग, बट फोर्थ अटेम्प्ट आई कुड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स। अब यहां पे क्या लर्निंग हुई कि यू कांट टेक दिस एग्जाम फॉर ग्रांटेड एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और एक और चीज बोलूंगा कि इसके पिछले अटेम्प्ट्स में पीवाईक्यूज ना देखना, सिलेबस ठीक से ना देखना, ये सारी लर्निंग्स होते जा रही हैं। आप समझ लीजिए सेकंड अटेम्प्ट का मेंस दिया है, नो पीवाईक्यूज, नो सिलेबस, नथिंग। थर्ड में थोड़ा सा वो आया, देन आंसर राइटिंग अगेन नॉट डन, और इसके अलावा मटीरियल बहुत ज्यादा पढ़ना एंड फैला हुआ होना, मटेरियल कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं है चीज़ है। तो आप कहीं ना कहीं मेंस के टाइम पे यू वोंट बी एबल टू रिवाइज। अब जब मैं फिफ्थ अटेम्प्ट में आता हूँ, नाउ आई एम क्वाइट क्लियर कि प्रीलिम्स तो होना है बिकॉज वो उसका एक नैक था मेरे पास। अब आंसर राइटिंग मुझे ये पता था कि ये करना है सुबह शाम, डेढ़ डेढ़ घंटा दोनों टाइम करना है, सुबह जीएस का और शाम को आपका ऑप्शनल का जी। तो वो मैं करता था रोज अपना रिलीजियसली, आई डिडंट इवन मिस अ सिंगल डे। तो ये सारी चीजें इसमें हुई, मैंने किया अच्छे से, नोट्स कंडेंस्ड कर दिए सारे, तो आई कुड रिवाइज 6-7 टाइम्स बिफोर द एग्जामिनेशन इटसेल्फ, तो अच्छा रहा। बट इसमें भी ये रहा कि ऑप्शनल का मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं रह पाया। अच्छा। तो वहां 247 ही रह गए। तो मैंने कहा यार अब यहाँ पे फिर कुछ गलत हुआ। एंड दूसरी चीज की, क्योंकि मैं क्रिएटिव राइटिंग करता हूँ तो एसे was not a big thing for me, but यहाँ पे essay को underestimate करने की वजह से 97 marks, तो learning होती ही जा रही है। but एक चीज कहूंगा कि ये जो learnings हुई और इस पे अगर मैंने काम किया है तो UPSC ने मुझे reward किया है certainly, और इस वाले attempt में I took care of every single thing, तो फिर मेरा हो गया मतलब यही वाली चीज है। So, तो आपके marks जो improve हुए हैं optional में काफी आपके improvement देखने को मिला है। Right. So, what things you did differently in this attempt कि आपका जो increment आया, where you could, you know, had this comfortable margin कि interview में आपके marks थोड़े ऊपर नीचे होते, still you would have find your name in the list. तो वो आपने क्या different किया in your sixth attempt compared to your fifth attempt where also you did a lot of hard work. So, what was the difference in your optional preparation or any other subject where you saw that improvement happen? एस्से का जैसे बताऊंगा, शॉर्ट में बता देता हूँ कि एस्से में मैंने बहुत सारे
टॉपिक्स देख करके उनका मीनिंग इंटरप्रेट करने का कोशिश करता था, ब्रेनस्टॉर्मिंग करता था डेली बेसिस पे, तो एक उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। GS1 में सेक्शनली मतलब मैंने जैसे मान लीजिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम के नोट्स को रीअरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जैसे उसको स्ट्रैंड्स में डिवाइड कर दिया, विमेन, फिर उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स, ऐसे करके सारा, फिर कोर्ट्स जो व्यूज दिए हैं बॉक्सेस में उसको मैंने इस्तेमाल किया काफ़ी ज़्यादा, मार्क्स हो गया या फिर कोई भी इस तरीके के लोग हैं, तो ये इसमें किया। फिर पेपर टू का मोर और लेस सेम था स्ट्रैटेजी, कुछ खास उसमें चेंज मैंने नहीं किया, बस हाँ थोड़ा सा केस स्टडी वगैरह रियलिस्टिक बनाया मैंने कि जो मेरा एक्सपीरियंस है जॉब का, तो मैं उन चीज़ों को डायरेक्ट वहाँ पर डालता था, एज ए नायब तहसीलदार जो जो मैंने काम किया वो सब डालता था। GS3 को काफ़ी टेक्निकली लिखा मैंने कि ग्राफ्स को यूज़ करके कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करना है कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात भी कर रहा था कि MSP की वजह से इन्फ्लेशन कैसे होता है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ कर लिया, ग्राफ, डिमांड सप्लाई ग्राफ यूज़ करके वी कैन डू दैट। तो इस तरीके से टेक्निकल बनाया। एथिक्स वाज आल्सो गुड, मेरा अच्छा था, तो उसमें ज़्यादा नहीं किया, मतलब जो पिछले बार था वही किया, तो पिछले बार 115, इस बार 117। ज्योग्राफी में ऐसा था कि पिछली बार आंसर राइटिंग उतनी नहीं की थी, तो इस बार जम के आंसर राइटिंग की, तो इसमें मोर और लेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे तैयार थे, तो काफी क्वेश्चंस फंस गए वहां पे जा करके मेरे। पेपर वन पेपर टू में वही सेम क्वेश्चंस आ गए, तो स्पीड भी अच्छी थी और एग्जीक्यूशन परफेक्ट हो गया वहां पे। इस बार आपने PYQs के मॉडल आंसर्स भी प्रिपेयर सब बना लिया था मेरे, सारे सॉल्व थे बेसिकली। सिर्फ ऑप्शनल के लिए या फिर GS के लिए? नहीं, GS के लिए नहीं किया था, सिर्फ ऑप्शनल के लिए किया था मैंने, क्योंकि GS का ऐसा था कि हाँ रेपिटेशन तो होता है, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूछ रहा है, एग्रीकल्चर पूछ रहा है, बट ऐसा है कि वो GS इज लाइक यू नो आप लिख लेंगे उसको, मल्टी डायमेंशनल बना के यू कैन राइट, मगर ज्योग्राफी इज अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, आप उसमें फेक नहीं कर सकते किसी भी चीज को, यू विल हैव टू बी ऑन पॉइंट, तो यू नीड टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस एटलीस्ट फॉर द लास्ट 10 years जितने भी हैं, यू शुड डू दैट। तो ये वाली चीज़ है। So to summarize whatever you have said, कि optional के अंदर आपने answer writing की और PYQs के model answer prepare किए, ताकि you have answer prepared if there is a question which is repeated, जो कि optional में होता ही है। बिल्कुल, and उसके अंदर भी हर एक unit का एक specific strategy था, right? जैसे geomorphology, oceanography, इन सबका अलग अलग था, ऐसा नहीं है कि मतलब एक वन साइज फिट अप्रोच था, सब चीज के लिए एकदम अलग अलग मैंने करके रखा। आई थिंक ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए। मैं करूंगा, मैंने अभी एक कोचिंग में किया था, मगर वहाँ पे बच्चों से बात करते करते क्या हुआ कि GS वगैरह तक ही बहुत ज्यादा टाइम खींच गया, सो आई थॉट कि क्योंकि इतना कुछ है बोलने के लिए अभी 6 साल का कि टाइम लग जाता है, तो ज्योग्राफी का आई थिंक आई टॉक अबाउट इट बच्चों से, मैं अलग से करूंगा। इट विल हेल्प द स्टूडेंट्स, राइट राइट। रिसेंटली मैंने ये टर्म भी सुना है कॉल्ड एस्पिरेंट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, एस्पिरेंट रिस्पांसिबिलिटी। नहीं नहीं, वो बिल्कुल सही बात है। और अदर अप्रोचेस दैट यू चेंज्ड ड्यूरिंग योर GS वाज कि यू नो थोड़ा टेक्निकल टर्म्स और टेक्निकल वे में आपने हर एक ऑप्शन हर एक सब्जेक्ट को अप्रोच किया, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी को आपने वैसे अप्रोच किया। एंड मेरा एक चीज अच्छा है, आप आंसर कॉपी देखेंगे तो कि विजिबिलिटी बहुत है कंटेंट की। जी, मैं बस जैसे लिख दूं ये नहीं है, आप सिंपली 10 लाइनें लिख देंगे, नो वन विल बी इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट दैट, बट इफ यू इंक्रीज द विजिबिलिटी that will definitely fetch you 1 or 2 marks extra. So that was also another thing I feel. So the good. Presentation maybe आपने difference presentation किया का, if we talk about the presentation then people think कि यार spider वाला वो बना कर कैसे ऐसे ऐसे कर देंगे, but वो वाला it doesn't have any impact actually. Visibility से मतलब because I've shared my copies on my channel, तो people can at least see कि what does visibility mean actually. तो ये वाली चीज़। So we'll also put the link of your Telegram channel under the description. Sure, sure. So that the aspirants can have access to your copies. कि वो exactly आपने कैसा किया है, उनको दिख जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। And those are evaluated copies, तो you can also see कि किस तरीके के marks मिल रहे हैं उसमें। That will also so did you also find any correlation between the marks that you got in the test series and the marks that you got in the real exam? मैं सोचता नहीं था इतना, literally मतलब मेरा ये काम रहता था कि मैं अपने इस पे focus करूं, marks का बहुत चिंता नहीं करना है बच्चों को कि उनकी टेस्ट सीरीज में कितना आ रहा है और इसमें कितना आ रहा है, क्योंकि सच में उतना ज्यादा none of the test series can emulate what UPSC in reality does. तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि बहुत ज़्यादा मार्क्स पे ना फोकस करते हुए
अपने एफर्ट्स पे फोकस करते जाइए। हालांकि मतलब हाँ मेरा रहता था टॉप में अभी मार्क्स, बट ऐसा नहीं था कि कभी कम आ गया तो मैं परेशान हो गया उस चीज़ क्योंकि एस्पिरेंट्स काफी डिस्करेज हो जाते हैं कि है ही स्वाभाविक है ये चीज़। मैं ये कहता हूँ कि बहुत ही स्वाभाविक चीज़ है क्योंकि है ही ऐसा एग्जाम, आप हर चीज़ छोड़ के बैठे हैं इन द प्राइम ऑफ योर यूथ। सही बात है, ठीक है। 7 years आई हैव गिवन टू दिस एग्जाम एंड ओनली आई कैन रियलाइज कि वॉट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इफ 118 नहीं होता तो फिर मतलब बुरा तो लगता ना। मतलब अभी मैं 15 दिन से आई एम राइडिंग ऑन द हाई वेव। अभी मैं कहाँ होता एकदम मारियाना ट्रेंच में एकदम नीचे पड़ा होता। तो ये वाली चीज है। वी आर ग्लैड दैट यू आर राइडिंग ऑन द हाई वेव। थैंक यू सो मच। आई एम रियली ग्रेटफुल टू द गॉड क्योंकि उन्हीं के पास है शक्ति कि वो इंसान को एकदम खाई से उठा के चोटी पे पहुंचा दें। So, जैसे आप मारियाना ट्रेंच की बात कर रहे हैं तो यू सेड दैट इन योर द बिगेस्ट सेटबैक, हम इंटरव्यू से पहले जब बात कर रहे थे, द बिगेस्ट सेटबैक दैट यू फेस्ड वाज योर फोर्थ अटेम्प्ट प्रीलिम्स दैट यू कुड नॉट क्लियर। राइट। सो व्हाट वाज योर मेंटल स्टेटस आफ्टर दैट एंड हाउ डिड यू मोटिवेट योरसेल्फ कि अच्छा आगे भी मुझे अटेम्प्ट देना है और उसमें भी यू डिड नॉट फाइंड सक्सेस इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट आल्सो। सो एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट फिर भी एक साल और पढ़ाई करना, मेहनत करना काफी डिफिकल्ट होता है। So how did you find that motivation and courage? मैं पता है मेरा जो DNA है बेसिकली मेरी दादी से जो आता है, शी इज़ नॉट देयर एनी मोर। ऑल ऑफ अस हैव बीन रियली वेरी परसिवरेंट, मतलब बहुत ही संघर्ष वाली जो चीज़ रहती है ना। तो हाँ मतलब परेशान तो मैं बहुत रहा तुरंत एकदम उसके बाद। फैमिली को भी डाउट होने लगा था कि अब प्री ही नहीं हुआ मतलब इसका बताओ। बहुत ज़्यादा तो फिर अब मैंने कहा कि अब घर से निकलने की ज़रूरत है तो मैं नायब तहसीलदार जाके ज्वाइन कर लिया। बट वहाँ पे भी ऐसा था कि ठीक है बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, बट वहाँ पे एक प्रेशर कुकर टाइप बन गया कि यार आप यू आर फ्रॉम एन IIT, वाई आर यू डूइंग दिस। मैं जहाँ जाता था वही बातें होती थी, तो वो बहुत बड़ा एक मेंटल मतलब पुश भी था कि यार आपको निकालना ही है ये एग्ज़ाम अब। तो दो तीन चीज़ें थी, मतलब आई डोंट गिव अप ईजिली बेसिकली, मतलब दैट इज़ समथिंग आई हैव, चाहे जितना भी मतलब मैं परेशान हो जाऊँ आई डोंट गिव अप दैट ईजिली। तो है बचपन से ही है एंड कोई भी चीज़ मुझे बहुत आसानी से एक्चुअली नहीं मिली है। बचपन में जैसे मुझे मेरी मैथ्स ख़राब हो गई थी तो वो भी मेरे मामा ने क्या किया कि पीछे के सारे आंसर्स फाड़ दिए, उसके बाद फिर मैं करना शुरू किया। तो मैथ्स को भी मेरा अच्छा करने में मुझे अच्छा खासा समय लगा, इंग्लिश अच्छा करने में बहुत अच्छा खासा समय लगा, तो मैं प्रोफिशिएंट हुआ। तो ये चीज़ है कि आई ट्राई टू लर्न अ लॉट, मतलब ये चीज़ है। छोड़ूंगा तो नहीं, मतलब जो स्टार्ट किया वो करना है कंप्लीशन वाला। तो ये जिद्दीपन आप सीख रहे हैं बचपन से? हाँ मतलब है ही वो एकदम परिवार में है पूरी तरीके से। और इस एग्जाम के लिए जरूरी भी बहुत बहुत जरूरी है, मतलब इस एग्जाम को अगर आपको इवेंचुअली क्लियर करना है तो एक पागलपन तो चाहिए ही, वरना फिर How are you supposed to continue? जैसे मेरे सारे दोस्त अभी 70 लाख 80 लाख रुपए कमा रहे हैं, मैं नॉर्मल सी जॉब कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ बैठा हुआ हूँ घर पे। तो उस तरीके से आप हाउ आर यू सपोज टू रिमेन सेन अनलेस यू आर इनसेन। तो आप बुक्स के बारे में बता रहे थे कि एनी बुक्स यू फाइंड हेल्पफुल ड्यूरिंग योर जर्नी अपार्ट फ्रॉम द UPSC सिलेबस? एक बुक थी जो मैं रोज़ पढ़ता था, 365 वेज टू चेंज योर लाइफ बाय नॉर्मन विंसेंट पील। अटोमिक हैबिट्स थोड़ी सी पढ़ी थी, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आफ्टर सो मैनी ईयर्स ना ये प्रैक्टिकली आपको आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं रहती हैं, ये वाली चीज़ है। बाकी ऐसे इधर उधर की कुछ किताबें जैसे वाई भारत मैटर्स उठाई थी मैंने अभी रिसेंटली, पढ़ रहा था फॉर इंटरव्यू, सोचा कि मतलब कर लेता हूँ। एंड जैसे खालिद होसनई की 1000 Splendid Sons हैं, ऐसे करके कुछ कुछ किताबें पढ़ी। बहुत ज़्यादा मेरा वाइड रीडिंग नहीं रहा है, बट हाँ एक चीज़ मैंने काफ़ी की थी कि जो बुक्स हैं फेमस और रेलिवेंट हैं इस एग्ज़ाम के लिए तो उनका मैं क्या करता था ना कि समरी बना लेता था। अच्छा। इंटरनेट पे समरी पड़ा हुआ है, आप डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए मिलन वैष्णव की बुक है व्हेन क्राइम पेज, अब इसको आप डालिए कि व्हेन क्राइम पेज समरी UPSC या व्हाटएवर,
ऐसे करके, तो उसमें कुछ कोट्स आ जाएंगे या कुछ ऐसा समरी आ जाएगा. नाउ यू कैन टेक नोट्स फ्रॉम देम, चार पांच लाइन का, एंड यू कैन, एंड इफ इट हैज अ हाई वैल्यू, मतलब इट कैन बी यूज्ड अक्रॉस द पेपर्स, देन यू डू इट. जैसे एक मिलन वैष्णव का था कि वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ क्रिमिनल्स इनटू पॉलिटिक्स, ठीक है. सो दिस कैन बी यूज्ड इन पेपर टू एंड पेपर फोर एंड एसे एज वेल, राइट. ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप अगर यूज करते हैं, बुक का नाम डाल करके, ऑथर का नाम डाल करके, एंड देन यू राइट की इस तरह से उन्होंने बोला है, देन इट गिव्स अ लॉट ऑफ वेटेज टू योर आंसर्स. तो ऐसे करके चार पांच किताबें आप देख लीजिए जो रेलेवेंट हैं यूपीएससी के लिए, एंड यू कैन डू दैट. अच्छा, और आगे हम जैसे प्रीलिम्स इज जस्ट यू नो 45 डेज अवे फ्रॉम टुडे, तो एस्पिरेंट्स के लिए कोई सजेशन, लाइक व्हाट शुड दे डू इन द लास्ट 45 डेज, एस्पिरेंट्स हु आर वाचिंग? See, what I would say is ki current affairs is being overemphasized these days, but the questions that are coming, that are they are related to the static. So read static in the through the prism of current affairs. Ek to ye cheez kar sakte ho aap, core current affairs utna zyada nahi puchega, to bahut zyada bhagiye mat uske piche. Iske alawa ye bolna chahunga ki aapko question papers jo hai solve karne ka jo tarika hai, solve it in rounds. ऐसा नहीं है कि एक बार में सिक्वेंशियली जाने लगे, सॉल्व इट इन राउंड्स, फाइंड योर ओन स्वीट स्पॉट थ्रू दोज मॉक पेपर्स कि कितना आपको करना चाहिए, 40-50 लगा लीजिए, और पीवाईक्यूज 100% देखिए. एक तो पीवाईक्यूज इस नज़रिए से देखिए कि कुछ रेपिटेशंस हो सकते हैं, और एक नज़रिए से ऐसे देखिए कि इन द लास्ट 10 डेज 4-5 पीवाईक्यूज लगा लीजिए टाइम बाउंड वे में, सो दैट आपका माइंड जो है टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस के हिसाब से नहीं, बल्कि जो यूपीएससी के एग्जामिनर का जो माइंड सेट है उसके हिसाब से फिर चलना शुरू कर देगा, ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों में. और मार्क्स जो अभी आपके, देखिए टेस्ट सीरीज जो है ना वो टफ क्वेश्चंस बनाएंगे, क्योंकि यूपीएससी जो है खुद भी टफनेस की तरफ बढ़ रहा है, तो मार्क्स कम आ रहे हैं, तो इसमें ये मत सोचिए कि कम आ रहा है भाई, कट ऑफ तो ऐसे भी कम है, तो उस हिसाब से आप देखिए अपने आप अगर अपने एग्जीक्यूशन, अपने प्रिपरेशन पे फोकस रखेंगे तो आई एम श्योर कि वहां पे एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. सो विद कलाम आईएएस, यू नो हाउ वर यू एसोसिएटेड विद कलाम आईएएस एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद? तो क्या हुआ कि मेरा फ्रेंड है सूर्यभान यादव, ठीक है जी, उसकी रैंक 27 आई थी, तो मैंने उससे उसको भेजा अपना वीडियो कि भाई देख के बता दो कुछ सही है कि नहीं मॉक इंटरव्यूज का. तो उसने बोला घबराने की कोई बात नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा कहीं कहीं पे यू नीड सम काइंड ऑफ अ गाइडेंस. तो उसने बताया कि कलाम आईएएस जो है वहाँ पे यू सेंड योर वीडियोज एंड वहाँ पे दे बेसिकली एनालाइज की क्या इशूज हैं. तो मैंने भेजा था अपना वीडियो, तो आई इंटरेक्टेड विद राजेंद्र सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने फिर मेरा सेशन लिया था एक डेढ़ घंटे का, कि बताया था कि ये नहीं बोलना है बिल्कुल भी या इस तरीके से बोलना है. सो थोड़ा सा वो क्या हुआ कि स्ट्रीमलाइनिंग तो एटलीस्ट आ ही गई, कि हर एक आंसर को उन्होंने जो डील किया था, एंड मोर और लेस मार्क्स भी जैसे 182 टाइप उन्होंने बताए थे कि आएंगे, तो 175 आए एंड में, तो अच्छा था, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. सो यू गॉट द यू नो कि रिव्यू इंटरव्यू के अंदर कैसा हुआ? हाँ, रिव्यू एक जरूरी है, बिकॉज मुझे लगता है पैनल मेंबर्स जो मॉक में है उतना ज्यादा ऑब्वियसली हर एक आंसर को तुरंत उनके पास भी नहीं है ना कि एनालाइज करके बता दें, तो वो चीज थोड़ा एब्सेंट है. तो हाँ, उस जगह एनालिसिस ऑफ इंटरव्यू, एनालिसिस ऑफ इंटरव्यू आई गॉट, तो अच्छा था मुझे. एनी अदर सजेशन यू वुड लाइक टू गिव समवन हु हैज जस्ट स्टार्टेड यू नो इस प्रिपरेशन की, अच्छा दीज आर द मिस्टेक्स दैट यू शुडंट बी डूइंग और दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड बी डूइंग? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि स्टे अवे फ्रॉम द फियर, ठीक है, बिकॉज देयर आर अ नंबर ऑफ फियर मॉन्गरर्स दिल्ली में, जो आपको डराएंगे कि सीसैट नहीं होगा, ये नहीं होगा, एंड इसके वजह से दे विल आस्क यू टू टेक सर्टेन कोर्सेज. तो पहले तो आप ये कर लीजिए, एंश्योर दैट यू डोंट फॉल फॉर द ट्रैप. सेकेंडली आई वुड से कि जब आप अपना प्रिपरेशन शुरू करो तो आप यूपीएससी के जो सिलेबस हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें थरो हो जाओ, ठीक है, उसको देख करके ही करो. तीसरा कि फोकस ऑन रीडिंग, बट नॉट मतलब एकदम उसको पीछे मत भागो कि हर चीज पढ़ने लगे.
व्हाट इज मोर रिक्वायर्ड इज कि आपको एप्लीकेशन करना है. तो लर्न द स्किल्स एंड व्हाट आर द स्किल्स, सॉल्विंग द एमसीक्यूज एंड राइटिंग द आंसर्स. दीज टू थिंग्स आर द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ दिस जर्नी. ठीक है, और डिस्पाइट दैट यू फील, आपको ये लगता है कि मेरा हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, नहीं होगा अगर नहीं करेंगे तो. इन दो चीजों पे एक्सटेंसिव एकदम फोकस. आप अनुदीप दुरी शेट्टी जी को भी देखेंगे, ही हैज आल्सो सेड कि मेजर फोकस शुड बी ऑन आंसर राइटिंग एंड ही रियलाइज दिस वेरी लेट. उनका हो गया था आईआरएस में, बट उसके बाद ही रियलाइज कि नहीं ये होना चाहिए. तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. सो आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा. काफ़ी ग्राउंडेड आप पर्सनालिटी हैं और काफ़ी मतलब सादगी सी है आपके अंदर. थैंक यू सो मच. और मतलब वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये पोस्ट मिली और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आपको राजस्थान मिले तो आप देश की सेवा कर पाएँ. थैंक यू सो मच सर.